हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्टेरिलाइजेशन के बारे में और स्पेसिफिकली हमने बात किया था फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की। चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की। सबसे पहले हम डेफिनेशन को रिपीट करते हैं ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा है, पिछले पार्ट को उन्होंने देख पाया। स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है ऐसा मेथड, ऐसा प्रोसेस जिसको यूज करते हुए हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट से या स्पेसिमेन से माइक्रोऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से रिमूव करते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को माइक्रोऑर्गेनिज्म से कंटामिनेशन से पूरी तरह से इरेडिकेट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस जो कहलाता है वो स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बाद बचे हुए स्पेसिमेन को हम स्टेरिलाइज स्पेसिमेन या स्पेशलाइज स्टेरिलाइज ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस वर्ड में खास बात हमने कही थी, एब्सोल्यूट का मतलब होता है या तो वो 100% माना जाएगा या तो 0% माना जाएगा, इन दोनों के बीच का कोई भी इंटरमीडिएट हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई बात स्टेरिलाइजेशन की। पिछले वीडियो में हमने बात किया था फिजिकल का, तो चलिए मूव करते हैं केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फिजिकल मेथड में हमने देखा कि हम ड्राई हीट को कैसे यूज करते हैं, मॉइस्ट हीट को कैसे यूज करते हैं और इन दोनों को यूज करते हुए हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को स्टेरिलाइज करते हैं। बात यहां पर लिमिटेशन की थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म से कंटामिनेट करना चाहेंगे तो हमारे पास सिर्फ लिमिटेशन इस बात की ना रहे कि हम फिजिकल मेथड को यूज करें, क्योंकि अगर हम हीट प्रोवाइड कराते हैं और वो सब्सटेंस अगर हीट लेवल है यानी कि टेम्परेचर के प्रेजेंट सेंसिटिव से वो करेगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो मेथड हमारे किसी काम का नहीं है। इसी लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए हमने यूज किया है केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का। केमिकल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी स्पेसिमेन से माइक्रोऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल कर सकते हैं और ये उनके लिए भी सुटेबल होता है जो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं। उन टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंस को हम ड्राई हीट के मॉइस्ट हीट में यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको स्टेराइज करने के लिए यूज करते हैं केमिकल मेथड की। अगर हम बात करते हैं केमिकल की, तो केमिकल को उनके स्टेट के हिसाब से हम दो तरीके से डिवाइड कर पाएंगे। पहला होगा लिक्विड केमिकल्स, दूसरा होगा गैस केमिकल्स। तो हम पहले बात कर लेते हैं लिक्विड केमिकल्स की, और लिक्विड केमिकल के जो कॉमन एग्जाम्पल है वहां हमने यहाँ पे कोट किए हुए हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं एथेनॉल, एल्डिहाइड, एथेनॉल मीन्स एल्कोहल, एल्डिहाइड, फेनोलिक्स, हेलोजन्स, हैवी मेटल और सर्फेक्टेंट। इन छह में से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और साथ ही हमने यहाँ पे कोट भी किया है कि इन केमिकल्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये केमिकल किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट से माइक्रोऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से रिमूव करते हैं, डीकंटामिनेट करते हैं, ये उनका मोड ऑफ एक्शन भी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके लिए पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। साथ ही साथ इनके नीचे उनके रेस्पेक्टिव कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिए हुए हैं, तो ये जो नोट्स है आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी हेल्पफुल होगा ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले एल्कोहल की। एल्कोहल, एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस टर्म्स एल्कोहल, जो हम केमिस्ट्री लैब में, किसी भी लैब में, फार्मास्यूटिक्स लैब में, कुग्नोसी लैब में यूज करते हैं। एल्कोहल का यूज ये है कि हम किसी भी सर्फेस से उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम करते हैं। अपने हाथों को, फिंगर्स को या यूटेंसिल्स को स्टेराइज करने के लिए भी हम अल्कोहल का यूज करते हैं। अल्कोहल को अगर हम स्किन के सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो ये हल्का सा सूदिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको फील होता है ड्राइनेस का, लगता है कि स्किन थोड़ी सी ड्राई हो गई है। यही प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं जब हम माइक्रोऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली इंप्लांट ना करके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से माइक्रोऑर्गेनिज्म को अगर हम हटाना चाहते हैं तो उस केमिकल्स को यानी कि एथेनॉल को उस सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो सरफेस पे अप्लाई करने के कारण से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उनके सेल के अंदर जब एथेनॉल प्रेजेंट होगा तो वो किन-किन तरीकों से अपना एक्शन शो करेगा। एथेनॉल या तो उस सेल के अंदर प्रेजेंट वाटर को रिमूव कर देगा जिसकी वजह से डिहाइड्रेट हो जाएगा वो सेल, सेल मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म का सेल डिहाइड्रेट हो जाएगा, या तो ये जो एथेनॉल है इसके सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, अल्टीमेटली इसके प्रोटीन को भी कोएगुलेट कर देगा। इस डायग्राम में हमने पूरे जो केमिकल्स यूज किए हैं इनके मोड ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू देयर साइट ऑफ एक्शन डिनोट किए हुए हैं, जिनको हम इनको कंप्लीट करने के बाद इस डायग्राम पे पहुंचेंगे। दूसरा जो हमारा है केमिकल्स वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के एग्जांपल हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ये सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और आगे देखेंगे तो हम ये गैस में भी हो सकते हैं, बट बेसिकली ये लिक्विड या गैस के अंदर यूज किए गए हैं। तो जो एल्डिहाइड है इनका मोड ऑफ एक्शन क्या कहता है, इनका मोड ऑफ एक्शन कहता है ये अल्काइलेशन कर देते हैं अमाइनो ग्रुप को या कार्बोक्सिल ग्रुप को। अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप को अल्काइलेशन करने की वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म इन दोनों ग्रुप को यूज नहीं कर पाता और अमाइनो के कारण से अमाइनो एसिड नहीं बन पाएंगे और उनका अल्टीमेटली प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और इससे माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके मेन मैकेनिज्म एक्शन या उनकी मोड ऑफ एक्शन की तो हम बात करेंगे इट डैमेज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से आगे जाकर के उनके जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होना है और न्यूक्लिक मटेरियल कह सकते हैं इट इज अ सोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो अगर हम किसी भी केमिकल से पर्टिकुलरली एल्डिहाइड से उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रीट करते हैं तो जो एल्डिहाइड है उसके न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन को, अमाइनो ग्रुप को और कार्बोक्सिल एसिड के ग्रुप के बनने को डिस्ट्रॉय कर देगा, इस तरह से हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं फिनोलिक सब्सटेंस की। तो फिनोलिक सब्सटेंस का एग्जांपल है 5% फिनॉल,
5% क्रिजोल और 5% लाइजोल। इन तीनों के एग्जांपल को हम यहाँ पे यूज करते हैं कोटेशन के लिए इन द केस ऑफ फिनोलिक्स। फिनोलिक्स का जो यूज है या उनका मोड ऑफ एक्शन है वो क्या कहते हैं, ये भी डैमेज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को। ये प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन को, प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉकिंग एजेंट है जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। इवन हमारे सेल का भी जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो है प्रोटीन। अगर किसी कारण से इनके प्रोटीन को हम कोएगुलेट कर दें, प्रेसिपिटेट कर दें, तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने प्रोटीन को स्ट्रक्चर बनाने के लिए या डिफरेंट एक्टिविटी बनाने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे और वो माइक्रोऑर्गेनिज्म वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये कहता है कि उन सारे टारगेट पॉइंट को हिट करना चाहिए, हिट करें जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, और अगर वो सारे पॉइंट हिट हो जाएंगे तो माइक्रोऑर्गेनिज्म उन चीजों को यूज नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली हमारा जो गोल था स्टेरिलाइजेशन का वो अचीव हो जाएगा। तो हमने देखा फिनोलिक्स में डैमेज मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, साथ ही साथ इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ये पॉइंट यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये उन एंजाइम के बाइंडिंग को, कॉम्बिनेशन को या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के कुछ बायोकेमिकल पैरामीटर्स को फुलफिल करने के लिए, बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए यूज होते हैं। तो जब ये एंजाइम को ही एक्टिवेट करने से रोक देगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी भी तरह से एंजाइम को यूज नहीं कर पाएंगे और माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और हमारा जो गोल था कि हम उस ऑब्जेक्ट से माइक्रोऑर्गेनिज्म को हटा दें वो फुलफिल हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेनोलिक्स। चलिए बात करते हैं हैलोजन्स की। तो हैलोजन्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हैलोजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, सॉरी, जब हम ऑक्सीडेंट का काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोसिडल्स एजेंट में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है कि उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होगा उनमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कंटिन्यूअसली बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोजम के जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये कैरी फॉरवर्ड होने से रुक जाते हैं और धीरे धीरे एजिंग बढ़ती जाती है। देन माइक्रोजम की जो डेथ है केमिकल प्रोसेस ना पूरा हो पाने की वजह से वो हमारे लिए रिजल्ट के रूप में आ जाता है। तो कह सकते हैं कि जो हैलोजन्स हैं इन्होंने ऑक्सीडाइज करके माइक्रोजम को किल कर दिया है और हमारा जो ऑब्जेक्ट था अब वो स्टेरिलाइज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हैवी मेटल्स की। तो हैवी मेटल्स के जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये कहते हैं कि इट इज प्रेसिपिटेट द प्रोटीन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म सो दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज द प्रोटीन फॉर देयर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्शंस। देन दे हैव अनदर मोड ऑफ एक्शन दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज लाइक द हैलोजन्स, दे ऑल्सो ऑक्सीडाइज द केमिकल्स और अदर कंपोनेंट इनसाइड द माइक्रोऑर्गेनिज्म सेल्स। सो दिस टू आर द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द हैवी मेटल्स। बस देर इज वन डिफरेंस कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हैवी मेटल्स है ये बैक्टीरियोस्टेटिक का काम करते हैं, जबकि हैलोजन्स हमने देखा कि ये बैक्टीरियोसिडल या माइक्रोबियल सिडल का काम करते हैं। तो ये दो चीजें आप तो फैमिलियर होंगे इन वर्ड से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिडल। अगर कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी एसिड जो माइक्रोजम की ग्रोथ को पूरी तरह से खत्म कर दे, जीरो पे लेके आएंगे, उसे कहते हैं हम बैक्टीरियोसिडल या माइक्रोबियल सिडल। सिडल मतलब होता है उसको कंप्लीट किल कर देना, जबकि स्टैटिक मतलब होता है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देना, स्टॉप कर देना, ग्रोथ आगे ना बढ़ पाए, उसको बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक मोड में लेके के छोड़ देगा। तो ये हुआ हमारे मोड ऑफ एक्शन हैवी मेटल्स का। लास्ट हम बात करते हैं सर्फेक्टेंट की। तो सर्फेक्टेंट जो भी सर्फ, जो भी सोप वगैरह हैं, ये अगर हम अप्लाई करते हैं अपने हाथों पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उनका सरफेस टेंशन में चेंजेस हो जाती हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हमने यहां पे देखा फ्रेंड्स कि कौन-कौन से केमिकल्स हैं, उनका छोटा-छोटा ब्रीफ में मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा एग्जॉस्टिव नोट पॉइंट वाइज हमारे फेसबुक ग्रुप सोशल फार्मेसी में स्टेरिलाइजेशन के टॉपिक पे पीडीएफ में अवेलेबल है, जिसे आप ज्वाइन करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे कुछ मोड ऑफ एक्शन के पॉइंट वाइज नोट। चलिए अब इन्हीं मोड ऑफ एक्शन को हम किसी डायग्राम के सहायता से देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू कैसे समझ में आएगा कि कौन सा केमिकल एजेंट कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। ये जो सेल आप देख रहे हैं, जिस माइक्रोबियल सेल, ये किसी माइक्रोजम का सेल है, ये बॉडी है उसकी, दिस इज अ सेल ऑफ माइक्रोजम, द ब्लैक कलर इज द सेल्स ऑफ माइक्रोजम इटसेल्फ, लाल कलर में जो हमने बाहर बाउंड्री लगाई हुई है इसे हमने डिनोट किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन से, और ये है माइक्रोबियल डीएनए कंटेनेंट जो न्यूक्लिक एसिड के अदर फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं, जिनको हम डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, और ये कुछ एंजाइम हैं जिन एंजाइम को फुलफिल करते हुए, कॉम्प्लेक्स बनाते हुए माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने लिए नीडफुल केमिकल्स को सिंथेसाइज करता है बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अल्कोहल के मोड ऑफ एक्शन की। तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल इसके अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट वाटर को रिमूव करेगा, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, जिसका हमने पहले मोड ऑफ एक्शन में बात किया था। अल्कोहल इसके सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अल्कोहल इसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को
कोएगुलेट कर देगा, जिसकी वजह से वो माइक्रोजम अपने प्रोटीन को यूज नहीं कर पाएगा और माइक्रोजम की डेथ हो जाएगी। तो ये था हमारा मोड ऑफ एक्शन फॉर अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का आप देख सकते हैं कि ये केमिकल सिंथेसिस के रिएक्शन को चेंज कर रहा है, यहाँ पे अपना इफेक्ट शो कर रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन को अल्टर कर रहा है और अपना एक्शन शो कर रहा है। साथ ही साथ हमने एल्डिहाइड में यह भी देखा था कि अल्काइलेटिंग का काम करता है अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप को, डैमेज न्यूक्लिक एसिड को। तो ये जो एल्डिहाइड है यहाँ पे भी काम करेगा, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस या बनने के प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, अल्टर करेगा। चलिए आगे बढ़े हम फेनॉल्स की या फिनोलिक सब्सटेंस की, जिसके एग्जांपल हमने यहाँ पे कोट किया हुआ है। तो ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से माइक्रोजम की डेथ हो जाएगी, या तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर करेंगे, जिसकी वजह से जो सेल है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाएगी। या तो ये जो फिनोलिक्स हैं ये प्रोटीन को भी प्रेसिपिटेट करने का काम करते हैं, एज लाइक अल्कोहल्स। देन मूव करते हैं अगले पॉइंट पे, दो हैट इज हैलोजन्स। तो ये जो हैलोजन्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग का काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इसलिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, और ऑक्सीजन की वजह से जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन वहाँ पे सेल के अंदर में हो रहे होंगे वो अल्टर हो जाएंगे, अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम हैवी मेटल्स की। तो हैवी मेटल्स प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके अपना एक्शन शो करते हैं, और जो सर्फेक्टेंट है वो सेल मेम्ब्रेन को अल्टर करके अपना एक्शन शो करते हैं। तो हमने बात किया आज केमिकल मेथड ऑफ स्टेराइलाइजेशन, बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में, डिटेल में नोट अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनके खास पॉइंट ये हैं कि ये उन चीज़ों के लिए खास एप्लीकेबल हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनके लिए हम केमिकल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात हुई लिक्विड केमिकल्स की, और हम कुछ सिर्फ नाम बताते हैं गैसेस की। तो इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड ये भी यूज़ करते हैं, और गैस का यूज़ हम बेसिकली उस सरफेस को किल करने के, सरफेस में प्रेजेंट माइक्रोजम को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, जो छत पे, सीलिंग पे या फर्स्ट पे, फ्लोर पे हो सकते हैं। इनको यूज़ करने के लिए हम केमिकल के साथ साथ फ्यूमिंग यानी कि गैस स्टेराइलाइजेशन एजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज इनफ फॉर दिस टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मॉइस्चर स्टेराइलाइजेशन की, उसमें हम बात करेंगे पार्ट फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज स्टे कनेक्टेड थ्रू फेसबुक। थैंक यू वेरी मच।